तो हाँ जी, आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू गेट माई फोन। तो ये बात है उस जमाने की, 2017 जुलाई का महीना में एक स्पेशल फ़ोन लॉन्च हुआ था, और जब मैंने 10th क्लास पास कर ली थी और धीरे धीरे मैं 11th पास किया और फिर मैंने 12th पास कर दी, 12th क्लियर कर ली। इसी बीच 2018 सितंबर का महीना और मुझे मेरा पहला स्मार्टफोन मिलता है। कौन सा? इंडिया का स्मार्टफोन जियो फोन। और जैसा कि उस वक्त ट्रेंड में चल ही रहा था, मेरे हाथ में जियो फोन आया और सबसे पहले मैंने उसमें फेसबुक आईडी बना डाली। अब सब कुछ मस्त चल ही रहा था मेरे जीवन में, मेरी जिंदगी में। पर तभी जून 2019 से लेकर मार्च 2020 ये पूरा मेरा डार्क ईयर था। मैं इस एक साल में बहुत कंफ्यूजन में था, और तुम्हें जानना है कि मैं किस एक साल डार्क पीरियड में कंफ्यूजन में क्यों था। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, हाउ आई गॉट हुक्ड इनटू योगा। और हाँ, अब मैंने लॉकडाउन के बाद कॉलेज में एडमिशन ले लिया था, और मुझे मेरा दूसरा फ़ोन अक्टूबर 2020 को मेरा दूसरा स्मार्टफोन मिला, वो था Vivo V7। इस Vivo V7 ने मुझे रूबरू कराया इंस्टाग्राम की दुनिया से, और अब मैं इंस्टाग्राम की दुनिया में घुस चुका था। मैं अपनी स्टोरीज डाल रहा था, रील बना रहा था, फलाना देखना पता नहीं क्या क्या कर रहा था। और इसी के साथ साथ मेरी कॉलेज चली रही थी, पर अब मैं बहुत बदल चुका था। मैं फर्स्ट ईयर से सेकेंड ईयर में प्रमोट हो चुका था, और उड़ीसा ट्रिप रेडी फॉर योगा कॉम्पिटिशन प्लान बन चुका था। तब मुझे मेरा रियल बीस्ट मिला 28 दिसंबर 2021, और ये मैंने अमेजोन से ऑर्डर किया था, दी के ले गया था कि दीदी को न्यू फ़ोन चाहिए था। बट क्या हुआ कि हम उड़ीसा जा रहे थे, तो मैंने दीदी से बोला कि मेरे को ये फ़ोन चाहिए क्योंकि मैं वहाँ पर जाके फ़ोटोज़ अच्छी खींचूँगा और वीडियोज़ बनाऊँगा, क्योंकि मेरे फ़ोन में V7 वाले में इतनी अच्छी फ़ोटोज़ नहीं आती। तो दीदी मान गई और मैं लेकर चला गया। पर तब से लेकर अभी तक 28 दिसंबर 2021 से लेकर 16 मई 2022 तक, पर अभी तक ये फ़ोन मेरे पास है। बट इस फ़ोन की सबसे अच्छी खासियत ये है, तो फ़ोन 4GB का, इस पर काम मैं 8GB वाला काम करता हूँ, और स्टोरेज है 128, पर कभी खाली नहीं मिलेगी, हमेशा ओवर लोड मिलेगी। Redmi Note 10 Lite